हेलो एवरीवन, मैं ध्वनि आप सबका स्वागत करती हूँ तल्ला दलाल के किचन में। आज हम एक अलग किस्म की चाट बनाने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे मिनी दाल पकवान चाट। दाल पकवान की चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल के लिए कुकर चढ़ाएंगे। उसके लिए हम लेंगे चना दाल। इस दाल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो लिया था और फिर इसे छान लिया। डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, नमक और 3/4 कप पानी डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। तो अभी हम इसे 2 विसल के लिए पकाएंगे। 2 विसल हो गई है और जब तक कि प्रेशर कुकर ठंडा हो रहा है, हम लोग पकवान के लिए आटा बना लेते हैं। और उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, घी, दूध डालेंगे थोड़ा सा और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और अब हम इसका कड़क आटा गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके। ध्यान रखिए आप थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें ताकि नरम ना हो जाए आपका आटा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कड़क आटा गून के तैयार है। तो चलो पकवान को बेलते हैं और फिर इसे तलते हैं। ये चाट बनाने के लिए हमें 2-2 इंच की छोटी छोटी पकवान चाहिए। वो बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका दिखाने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने आटे को 3 हिस्सों में बांट लिया है। हम एक हिस्सा लेंगे और इसको अच्छे से स्मूथ करके बिना किसी आटे की मदद से बड़ा सा बेल लेंगे। हमें बेलते समय ध्यान रखना है कि ना तो ये ज़्यादा झाड़ा होना चाहिए या ना तो ये ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो हमने इसे 8 इंच के सर्कल में बेल लिया है। अब हम इसे एक कांटा की मदद से अच्छे से प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम इसे तले तो ये फूले नहीं। अच्छी तरह से सब जगह पे प्रिक कर दीजिए। और अभी हम एक 2 इंच की साइज का ढक्कन लेंगे। अगर आपके पास कोई कटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये रीत आपको कितनी ईजी पड़ेगी, आपको एक साथ कितने सारे पकवान मिल जाएंगे। आप मेरी माने तो ये ही प्रोसीजर फॉलो कीजिए तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। लगभग 7 से 8 पकवान आपको एक साथ मिलेंगे। तो अब हम इस एक एक काटे हुए पकवान को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने आखिरी वाला भी निकाल दिया है। अब ये बाकी के बचे हुए आटे को भी हम लोग इसी तरह बेलेंगे और जब तक कि अपना आटा ख़त्म ना हो हम अपने पकवान ऐसे ही बनाएंगे। तो अब ये सारे पकवान बेल कर और काट कर तैयार है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी तेल गरम करने यहाँ पे रख दिया है और तेल ऑलरेडी गरम है। तो चलो एक एक करके हम पकवान उसमें डालते हैं। जैसे कि ये मिनी पकवान है, आप थोड़े थोड़े करके एक साथ तल सकते हैं। जैसे कि हमें ये पकवान क्रिस्पी चाहिए, हम इसे मीडियम आंच पर थोड़ा ऐसे प्रेस करते हुए पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये गोल्डन ब्राउन भी अच्छे से हो गए हैं। तो चलो अब हम इसे ड्रेन कर लेते हैं। इसी तरह हम अपने बाकी के मिनी पकवान भी तल लेंगे। सारे पकवान तल के तैयार है और अब तक हमारी दाल भी ठंडी हो गई होगी। तो चलो अभी दाल को पकाते हैं। तो दाल का तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम घी गरम करेंगे। घी गरम हो गया है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, उसे चटकने देंगे, एक हरी मिर्च डालेंगे और बहुत सारा बारीक कटा हुआ लहसुन। थोड़े सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसे वापस 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दाल जो हमने पकाई है। इसमें डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। जैसे कि हमने दाल में थोड़ा नमक डाला है, आप यहाँ पे थोड़ा कम डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाएं। इसे बीच बीच में हिलाते रहिए। जैसे कि हम इसे चाट के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी ड्राई दाल चाहिए, इसलिए हम पूरा पानी सूख जाए तब तक इसे पकाएंगे।
दो मिनट हो गए हैं, हम लोग गैस बंद कर देंगे। अब देख सकते हैं हमारी दाल पूरी तरह से ड्राई हो गई है। अभी हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा दाल और पकवान दोनों बनकर तैयार है, तो देर किस बात की। चलो अभी हम चाट की प्लेट बनाना शुरू करते हैं। तो चाट की प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़े पकवान लेंगे अपनी प्लेट में। इसे अच्छे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगा दीजिए। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी दाल जो हमने बनाई है। अब हम डालेंगे खजूर इमली की चटनी। इसमें सभी चटनी बहुत ही अच्छे से डालना जरूरी है, तो ही चाट एकदम चटपटा बनेगा। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी। मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ ग्रीन चटनी। अब चटनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने लहसुन ऑलरेडी दाल में डाला है, हम कोई लहसुन की चटनी नहीं डालेंगे। थोड़े से प्याज डालेंगे। अब प्याज के ऊपर हम डालेंगे थोड़े से अनार के दाने। ये बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट देगा इस चाट को। हल्का सा नमक छिड़केंगे। अब हम इस पे डालेंगे भुजिया सेव। ये एक ट्विस्ट है जो हम लोग जनरली सेव डालते हैं, हम यहाँ पे भुजिया सेव डालेंगे, जो ये चाट को बहुत ही अलग और अनोखा स्वाद देगा। तो बस अब हमारा चाट तैयार है। बाकी है तो सिर्फ इसे सजाना। कटे हुए धनिए से हम इसे अच्छे से सजा लेंगे। तो ये चाट हमारा तैयार है परोसने के लिए। इसे आप बनाकर तुरंत परोसे, जो थोड़ा सा खट्टा है, मीठा है और तीखा है, जो सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मेहनत है इसे बनाने में, बट यकीन मानिए कि सबको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए। Download the Tala Dalal app on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook at taladalal.com.